हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे बात करेंगे मोड्स ऑफ ई कॉमर्स की। तो देखिए, ई कॉमर्स क्या होता है, उसका क्या यूज़ होता है, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि मोड्स ऑफ ई कॉमर्स मतलब जो ई कॉमर्स ऑपरेशन है या जो भी प्रोसेस है ई कॉमर्स का, उसको हम कितने तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोड्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि ई कॉमर्स क्या होता है, कि कुछ भी अगर हम प्रोडक्ट और सर्विसेज का बाई और सेलिंग करते हैं इंटरनेट पे या कंप्यूटर नेटवर्क पे, तो दैट इज ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स का जो मोड्स होते हैं, देर आर थ्री मोड्स। पहला क्या होता है, पहला होता है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। सेकंड होता है आपका बिजनेस टू कस्टमर, और थर्ड होता है डिजिटल मिडिल मैन। डिजिटल मिडिल मैन, ठीक है, ये तीन मोड होते हैं। अब इसमें हम लोग पहले मोड की बात करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। तो पहले वो बिजनेस टू बिजनेस, इसको ट्रेड लैंग्वेज में हम लोग बी टू बी भी लिखते हैं। तो बी टू बी मोड जो होता है इसका, ई कॉमर्स ऑपरेशन का, उसमें क्या होता है कि इट डिस्क्राइब्स कॉमर्स ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेसेस, सच एज बिटवीन ए मैन्युफैक्चरर एंड ए होलसेलर, और बिटवीन ए होलसेलर एंड ए रिटेलर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी बिजनेस होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है, वो जो भी ट्रांजैक्शन किसी भी चीज़ का जो आदान प्रदान होता है, वो दो बिजनेस एंटिटीज़ के बीच में ही होता है। वहाँ पे एंड यूज़र जो है, जो कस्टमर है, जो व्यक्ति उसको इस्तेमाल करता है, उस सर्विस को या उस प्रोडक्ट को, वो नहीं इन्वॉल्व होता। तो मतलब जैसे मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो मान लीजिए मैन्युफैक्चरर है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब वो जो भी बिजनेस कर रही है किसके साथ, अपने होलसेलर के साथ, या डिस्ट्रीब्यूटर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो अपने होलसेलर के साथ जो बिजनेस कर रही है, ठीक है, वो इस तरह ये जो बिजनेस होता है ये कहलाता है बी टू बी, क्योंकि इसमें एंड यूज़र या जो एक्चुअल यूज़र है या जो कस्टमर है वो कहीं नहीं इन्वॉल्व है। ये भी बिजनेस एंटिटी है और ये भी बिजनेस एंटिटी है, तो दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड बी टू बी ट्रांजेक्शन। ठीक है, या और हम एग्जांपल लें कि मान लीजिए मेरा कोई ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, मेक सेवरल बी टू बी ट्रांजेक्शन सच एज बाइंग टायर ग्लास फॉर विंड स्क्रीन एंड रबर हॉर्सेस फॉर इट्स व्हीकल। अब मान लीजिए से हमने कहा कि कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, वो क्या करती है, अपना जो भी वो कार बना रही है उसके लिए मान लीजिए कि उसके जो विंड स्क्रीन या जो ग्लासेस हैं उसके लिए वो कंपनी वन से बिजनेस कर रही है, दरवाजों के जो हैंडल हैं उसको बनवाने के लिए कंपनी टू से बिजनेस कर रही है, कोई और चीज़ है मान लीजिए डोरमैट या और जो चीज़ें हैं उसको बनवाने के लिए कंपनी थ्री से बिजनेस कर रही है। तो इस तरह के जो बिजनेस होते हैं दे आर कॉल्ड बी टू बी ट्रांजेक्शन। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, इसमें एंड यूज़र कहीं नहीं इन्वॉल्व होता है, जो एक्चुअल कस्टमर है, जो एक्चुअल कंज्यूमर है, ऐसे कह लीजिए। अब आ गया आपका बी टू सी, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस टू कस्टमर, इसको शॉर्ट में हम लोग या ट्रेड लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, बी टू सी। इसमें क्या होता है कि इसमें सीधे एग्जाम्पल आप ये समझ लीजिए कि जैसे ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं, ये इसका सीधा एग्जाम्पल है कि आप क्या करते हैं, आप डायरेक्टली कंपनी को, आप प्रोडक्ट देखते हैं मोबाइल पे, लैपटॉप पे, पीसी पे, और
आप डायरेक्टली ही ऑर्डर करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। तो इस तरह का जो ट्रांजेक्शन होता है वो इस कैटेगरी में आता है बिजनेस टू कस्टमर। इसमें हम ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग इज द प्रोसेस वेयर बाई कंज्यूमर्स डायरेक्टली बाई गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम ए सेलर इन रियल टाइम विदाउट एन इंटरमीडिएरी सर्विस ओवर द इंटरनेट। मतलब कि बिजनेस टू कस्टमर में डायरेक्टली क्या होता है कि जो कस्टमर, मान लीजिए सपोज कीजिए ये कस्टमर है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो कस्टमर इससे डायरेक्ट कनेक्ट होता है, चाहे इंटरनेट के थ्रू चाहे कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, वो डायरेक्टली ही इसको ऑर्डर देता है और अपना जो पेमेंट करना है पेमेंट करता है, और कंपनी भी इसको डायरेक्टली ही गुड्स डिलीवर कराती है या सर्विस देती है। इसमें बीच में कोई मिडिल मैन कोई नहीं होता है, ठीक। तो इस तरह का जो ट्रांजेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजेक्शन, या इसको सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं B2C। इसको, और जो बिजनेस टू कस्टमर ऑपरेशन है, दिस इज़ ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, एन ऑनलाइन शॉप, ई शॉप, ई स्टोर, इंटरनेट शॉप, वेब शॉप, वेब स्टोर, ऑनलाइन स्टोर और वर्चुअल स्टोर, ठीक है। इवोक्स द फिजिकल एनालॉगी ऑफ बाइंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एट ए ब्रिक्स एंड मोर्टार रिटेलर और इन ए शॉपिंग सेंटर। तो ये जो ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग करते हैं, चाहे वेब स्टोर हो गया, ऑनलाइन स्टोर हो गया, वेब शॉप हो गया, ई स्टोर हो गया, इन सब जगहों से, तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर जो है डायरेक्टली कंपनी से ही माल खरीदता है और कंपनी को ही पेमेंट करता है। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन को बोलते हैं B2C। अब तीसरा आ जाइए डिजिटल मिडिल मैन। ये किस तरह का ट्रांजेक्शन होता है? डिजिटल मिडिल मैन, इसमें क्या होता है कि डिजिटल मिडिल मैन रेफर्स टू ए कंपनी विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट सेवरल कंपनीज ऑन ए सिंगल वेबसाइट। तो ये एक तरह से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है कि एक कंपनी जो है, एक वेबसाइट या एक कंपनी कई कंपनियों के प्रोडक्ट ऑफर करती है कस्टमर को अपनी वेबसाइट से खरीदने के लिए। तो इस तरह से बोलते हैं कि डिजिटल मिडिल मैन। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ये कस्टमर है, ठीक है, अब उसको सपोज कीजिए कि कोई चीज़ उसको से, कोई भी आप नाम लीजिए, मान लीजिए आपको कोई चीज़ उसको फिलिप्स के इक्विपमेंट खरीदने हैं, कुछ उसको जो है एलजी के खरीदने हैं, कुछ उसको जो है सपोज कीजिए ग्रॉसरी आइटम हो गया फॉर्चून का खरीदना है, ठीक है, डिफरेंट कुछ उसको जो है सपोज कीजिए और कोई कंपनी का नाम मान लीजिए हिंदुस्तान लीवर का खरीदना है, ठीक। तो या तो वो डायरेक्टली ऐसे इन कंपनी से अलग अलग कॉन्टैक्ट करें, ठीक है, तो वो तो हो गया B2C एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है, कोई एक कंपनी जो मिडिल मैन है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कोई एक कंपनी ये बीच में आ गई अमेजन, ठीक है, ये कंपनी क्या करती है कि सारे कंपनीज के प्रोडक्ट अपने प्लेटफॉर्म पे इसके पास रहते हैं बेचने के लिए, ठीक। अब ये कस्टमर क्या करता है कि उसको फिलिप्स का भी प्रोडक्ट खरीदना है, तो अमेजन पे जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से ले लेगा, ठीक है। फिर अगर उसको एलजी का भी खरीदना है तो भी वो अमेजन पे जाएगा, वहाँ पे उसको एलजी का जो प्रोडक्ट लेना है उसको सेलेक्ट करेगा और ले लेगा, ठीक। तो यानी कि ये जो अमेजॉन है ये एज ए मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है कस्टमर और मैन्युफैक्चरिंग या ओरिजिनल कंपनी के बीच में। तो दिस इज कॉल्ड डिजिटल मिडिल मैन। अब डिजिटल मिडिल मैन कंपनी क्या करती है, दिस कंपनी गैदर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर कंपनीज अबाउट द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ए कमीशन इज चार्ज फॉर एवरी सेल और परचेज बाय द कंपनी होस्टिंग द वेबसाइट। तो इसमें क्या होता है कि अमेजन जो है, जो भी सेल या परचेज होती है उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू,
उसका वो अपना इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जो भी है वो कमीशन ले लेती है। तो ये कहलाता है डिजिटल मिडिल मैन। तो ये तीन मोड होते हैं ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब कुछ कॉमन ई कॉमर्स वेबसाइट्स की हम लोग बात करें कि भाई कहाँ पे हम लोग ई कॉमर्स परफॉर्म कर सकते हैं, तो सम ऑफ द पॉपुलर ई कॉमर्स साइट्स आर, एक तो हो गया आपका जैसे आप कह सकते हैं www.ebay.com, फिर अमेजोन की हम लोगों ने बात की है अभी, amazon.com, फिर हो गया आपका electricpages.com, electricpages.com, फिर हो गया आपका indiatimes.com। मतलब तमाम, अब तो आज के समय में तो आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है ये ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कि तमाम कंपनियां हैं जो अपने प्लेटफॉर्म पे दे आर वर्किंग एज अ डिजिटल मिडिल मैन एंड दे आर सेलिंग थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम दियर प्लेटफॉर्म। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ई कॉमर्स के तीन मोड कौन कौन से हैं, B2B, B2C और डिजिटल मिडिल मैन। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर अवेलेबल हो आपके फ़ायदे के लिए, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।